हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम सोर्सेस एंड फीचर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड एज डैश। सो ऑप्शन ए फेडरल, ऑप्शन बी यूनिटरी, ऑप्शन सी पार्लियामेंटरी, ऑप्शन डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैट इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, खुद का आंसर दीजिए और उसके बाद आंसर के साथ टैली कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से कौन ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन नहीं है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट स्ट्रेंथेंस द हैंड्स ऑफ रूलर्स टू रूल अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रेशन। सो ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। ये ऐसा पावर नहीं देता है रूलर को एज पर देयर विश शासन करे कि देश को। सो ये गलत आंसर है और यहाँ पे दिया गया है विच इज नॉट ए फंक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बरोड दी स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो कौन सा देश से हमारा इंडिया फेडरेशन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा, कनाडा से फेडरेशन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंजॉयड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन वेयर। सो इनमें से कहां पाया जाता है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जस्टिस कहां पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये प्रीएम्बल में पाया जाता है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। यानी कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉमन पाया जाता है। ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी ड्यूअल जुडिशियरी, ऑप्शन सी थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन में पाया जाता है, बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन में ये फीचर्स पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उनका आइडिया को कौन सा पार्ट में रिफ्लेक्ट किया गया है। इसका मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में उसको जो फ्रेम किए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाए थे उनका जो आइडिया है उसको कहाँ रिफ्लेक्ट किया गया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे इसको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीन वर्ड मिलता है ये कहां से लिया गया है। सो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है उसके हिसाब से इंडिया का जो नोमेनक्लेचर है, इंडिया को कैसा कंट्री बोला जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सोवेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको इसका याद रखने के लिए सब्ट्रिक आप याद रख सकते हैं, दैट इज एस क्यू डी आर,
SQDR। फिर आप बोलेंगे SQ को तीन है, इसको कैसे रिमेंबर करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो पहले तीन वर्ड है SOV, SOC एंड SEC, दीज आर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एज पर द डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर ये पहला तीन लेटर को अरेंज करेंगे तो ये रिवर्स में आएगा। इसका मतलब पहले SEC आएगा, उसके बाद SOC आएगा, देन उसके बाद SOV आएगा। दैट मीन्स उसको रिवर्स करना है तो पहला आएगा सोवेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो आपको याद रखना है SQDR। और SQ को आपको कैसे याद रखना है? जो फर्स्ट तीन लेटर आएगा SOV, SOC एंड SEC, उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सोवेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए पॉपुलर सोवरेनिटी इन इंडिया बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है ना, वो जो प्रीएम्बल है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन सा वर्ड से शुरू होता है? सो ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड से शुरू होता है, इसीलिए ये ज्यादा फेमस है, सोवरेनिटी ज्यादा फेमस है। सो इतना ही है आज का सेशन में, इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।